मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धस गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धस गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। एक शख्स अब भी लापता बताया गया है। अंतिम लापता व्यक्ति के लिए तलाश जारी है। एक बार फिर बावड़ी से पानी निकालने की तैयारी की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल और घटना स्थल का दौरा किया और स्थितियों का जायजा लिया। वहीं घटना को लेकर पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की। हादसा स्नेह नगर के पास पटेल नगर में हुआ, जहां के बैलेश्वर महादेव मंदिर में ये हादसा रामनवमी के उत्सव के दौरान हुआ। मंदिर में भीड़ थी और हवन चल रहा था। भीड़ के कारण कुछ लोग मंदिर के अंदर बनी बावड़ी पर जाली पर बैठ गए। बस उसी दौरान बावड़ी की छत धस गई और उस पर बैठे लोग अंदर जा गिरे। बावड़ी करीब 40 फीट गहरी थी और उसमें 6-7 फीट तक पानी था। बावड़ी धसते ही अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अफसर सहित टीम और नेता मौके पर पहुंच गए और फौरन बचाव कार्य शुरू किया। कुछ लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरे प्रशासन ने रात भर बैठकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी थी। हमारी इस समय प्राथमिकता यह है कि अंतिम खोए व्यक्ति की तलाश पूरी की जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। हमने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में पुलिस केस भी दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अभी जिसे 18 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे, उसमें 2 लोगों के ना डिस्चार्ज भी हो गए हैं। 16 लोग हैं, मतलब हॉस्पिटलाइज हैं, वो है ना है। अभी तक 35 ऐसे लोगों का ना मृत्यु का ना पुष्टि हुई है एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना एक पर्सन का है ना अभी ना मिसिंग आ रहा है। हॉस्पिटलाइज अभी 16 लोग हैं ना अभी हॉस्पिटलाइज्ड। किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है? आर्मी के कितने लोग लगे? आर्मी की लगभग है ना आई थिंक 75 लोग आए थे एंड एनडीआरएफ की टीम के अभी ना लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 है ना 50 और 75, इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। क्या कारण रहा कि जो लंबा समय चला रेस्क्यू? डेफिनेटली ये एक बहुत ही पुराना है ना बावड़ी था, उसमें डेप्थ भी ज़्यादा था और लगातार है ना पानी का है ना सोर्स है ना लगातार है ना पानी भी आ रही थी, तो उस पानी को लगातार है ना डी वाटरिंग भी है ना करना पड़ा एंड इसका डेप्थ है ना बहुत ज़्यादा होने के कारण पहले तो सकुशल है ना कौन जिंदे थे उन लोगों को ना रेस्क्यू किया गया, उसके बाद है ना मतलब कितने भी डेड बॉडीज है ना मिली है उनका है ना रिकवरी किया गया, उसके बाद पूरा का डीवाटरिंग किया गया। जैसे डीवाटरिंग किया सीपेज के माध्यम से वापस है ना उसका पानी आ गई थी, उसको डीवाटरिंग लगातार है ना करना पड़ा और ये बहुत पुराना है ना कुआ है, उसमें ना काफी है ना सिल्ट भी है, काफी सारा मटेरियल्स भी जैसे कि ना कुआ है ना कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्सी पत्थर से लेकर सब कुछ है ना अंदर गिरा हुआ था, उसके बीच में ना रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। डेफिनेटली उसके लिए मतलब सारे मशीन्स थे वो सारे ना हमारे पास अवेलेबल थे, एनडीआरएफ है ना टीम के साथ भी, आर्मी के टीम के साथ भी और लोकल के लोगों ने भी है ना इसमें हेल्प किया गया। सो अभी मुझे लग रहा है 50 फीट के ऊपर तो है ना कुआ है। पंजीबद्ध की गई है सर, कितने एफआईआर हुए इन दहाव में? कल हुए हादसे के संबंध में मर्ग जांच के उपरांत समिति के अध्यक्ष व सचिव पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 304 IPC के तहत यह अपराध दर्ज किया गया है। अभी कोई राउंड अप आया था कुछ नहीं? अभी चूंकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें आदेशित हो गई है तो उसकी जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोषी माना जा रहा है उनको इस तरह से? अभी अभी जो है चूंकि इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित हो चुकी है तो हम लोग उनकी जो और भी जो तथ्य या और कोई चीज सामने निकल करके आती है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। आदेश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहाँ ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं
और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भाई मोबाइल रख लो नीचे थोड़ा सा। पीछे करो थोड़ा। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच की होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है, और राज्य सरकार ने भी मैंने कल जैसी घोषणा की है पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।